हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट का क्या हाल चल रहा है। मार्केट में बहुत ही ड्रास्टिक मूव्स हो रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं अपने बिटकॉइन के चैनल पे। इसके अलावा नॉर्मल मार्केट्स जो कि कल बंद थे बिकॉज ऑफ थैंक्स गिविंग, अब वो आज खुलेंगे। तो कल तो वॉल्यूम काफी कम थी, लेकिन आज वॉल्यूम इंक्रीज हो सकती है, एंड जिस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अवर अपकमिंग ट्रेड्स, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आई विल शेयर विद यू सम ऑल्ट कॉइन्स जो कि ब्रेकआउट कर सकते हैं, जिन पे आप चाहे तो लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि काफी सारे लोग जो है ट्रेड ले रहे हैं, काफी सारे लोग नए हैं ट्रेड लेने पे, तो वो जो है ढंग से इसको नहीं ले पा रहे हैं। आई विल शेयर विद यू कि हाउ डू यू एंटर अ ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ मार्केट विद अ प्रॉपर रैशनल। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 4 आवर के चार्ट से, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ है बिटकॉइन के साथ। सो बिटकॉइन जो है काफी ज्यादा ड्रास्टिक मूव्स कर रहा है, कभी वो मूविंग एवरेज से सीधा ऊपर जा रहा है, फिर सीधा नीचे जा रहा है, फिर दोबारा से ऊपर जा रहा है, एंड फिर वो वापस मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। तो किस इस टाइप का ही मूव जो है हमें बिटकॉइन में देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा आउटलायर था बिकॉज ये सीजेड के रेजिग्नेशन के बाद आया था। अब क्या चल रहा है मार्केट में वो हम देखते हैं। तो मूविंग एवरेज से अच्छा बाउंस इसको मिल रहा है। सुपर ट्रेंड पे देखें तो अभी भी हल्की हल्की रेडनेस है, इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है अभी भी बेयरिश टाइप का है, एंड दैट्स व्हाई मैं अभी कोई बड़े यहाँ पे एंट्रीज नहीं ले रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कीप माई एंट्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या मतलब है इससे मेरा, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो ट्रेडिशनल मार्केट्स को अगर हम देखते हैं तो एशिया के स्टॉक जो है थोड़े तो नीचे खुले हैं, एंड यूएस के फ्यूचर्स भी जो है थोड़े बहुत यहाँ पे नेगेटिव से लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आज थोड़ा पुल बैक पे एसपीएक्स खुलना चाहिए। तो एसपीएक्स करेंटली इस पोजिशन पे है, एंड अगर ये पुल बैक पे खुलता है तो दिस इज दी थिंग दैट इट कैन डू। तो लास्ट टाइम जो हमने अपडेट बनाई थी तब तो भी कुछ इस तरीके का था एसपीएक्स, एंड फिर इसने रीटेस्ट करके अच्छा जम्प लिया है, गिविंग मार्केट अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीननेस। अगर हम ओवरऑल देखें एसपीएक्स को तो एसपीएक्स काफी ऊपर आ गया है, इसने अभी भी ये गैप जो है फिल नहीं किया है, एंड जब भी ऐसा गैप जो है मिस हो जाता है तो देर इज अ चांस कि ये इस गैप को आके फिल करता है, तो इस चीज को हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं डिक्सी की साइड, तो डिक्सी अभी भी डाउन ट्रेंड में है, एंड डिक्सी जैसा कि हमने यहाँ पे आपके लिए ड्राइंग बनाई थी, तो डिक्सी ने साइडवेज मूवमेंट थोड़ा यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया है, अभी भी नीचे है। एंड अ डाउनवर्ड गोइंग डिक्सी इज वेरी गुड फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, क्योंकि इसका मतलब है कि बिटकॉइन पे स्ट्रेंथ आएगी, एंड काफी अच्छा डाउन ट्रेंड यहाँ पे डिक्सी में है। तो उस साइड से तो मार्केट यहाँ पे अच्छा है, हल्का फुल्का आप देख सकते हो 4 आवर में यहाँ पे थोड़ा ग्रीन होने लग गया है, सुपर ट्रेंड। दैट्स वाई मार्केट में इस टाइप का अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की साइड देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस हम सबसे पहले चेक करते हैं, तो बिटकॉइन डोमिनेंस में एक अच्छा अपसाइड मूव आया था, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन इसने ले लिया है, एंड अभी भी थोड़ा अप ट्रेंड में ही है। तो जब तक ये नीचे की साइड डाउन ट्रेंड नहीं पकड़ता है तब तक हमें ऑल्ट कॉइन्स पे इतना सिग्निफिकेंट मूव देखने को नहीं मिलेगा, एंड तब तक के लिए हम केवल ऑल्ट कॉइन्स में स्पॉट पोजीशंस या फिर वेरी डीप लॉन्ग पोजीशंस जो है रख सकते हैं। अब डीप लॉन्ग पोजीशन से मेरा क्या मतलब है, तो चलो हम मैटिक का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैटिक जो है लॉन्ग करना है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने मान लो $100 लगाने हैं तो आप 100 के 100 यहाँ पे लगा दोगे बिकॉज मैटिक हैज बाउंस। इस तरीके से नहीं लेनी है आपको एंट्रीज। आपको एंट्रीज लेने के लिए यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करनी है, एंड इस तरीके से वो लॉन्ग पोजीशन जो है बिल्ड होती है। मैटिक का जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल्दो आई एम लॉन्ग ऑन मैटिक, एंड वो पोजीशन कुछ इस तरीके से बिल्ड होती है जहां पे आप एक टारगेट जस्टिफाई करते हो, दिस इज द टारगेट बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ऑल्दो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न मिल रहा है, एंड हेड एंड शोल्डर्स नीचे ब्रेक होके हो सकता है कि मैटिक यहाँ पे रिटेस्ट कर दे, तो दिस इज नॉट अ मैटिक कॉल, बट किस तरीके से आप ले सकते हो। तो आपको लग रहा है कि यहाँ से हमें जो है अपसाइड जंप मिल सकता है। अब मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है, इट कैन गो डाउन ऑल्सो, सो यू फर्स्ट आइडेंटिफाई द कंप्लीट ट्रेंड ऑफ द मार्केट, जिसके लिए आप लार्जर टाइम फ्रेम्स यूज करते हो। तो कंप्लीट ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड में है बिटकॉइन का, फिर हम ट्रेंड देख के वेरीफाई करते हैं कि यस यहाँ पे भी अप ट्रेंड में है, कोई एग्जॉस्टिंग मूव नहीं मिल रहा है, कोई यहाँ पे हमें नेगेटिव टाइप की चीज नहीं मिल रही है लार्जर टाइम फ्रेम्स में। पर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं तो इट इज स्टिल नेगेटिव, एंड मैटिक को भी देखेंगे वो भी यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि पुल बैक की पॉसिबिलिटीज है, पुल बैक की पॉसिबिलिटीज है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर द लॉस। तो जिस साइड कंप्लीट ट्रेंड है मार्केट का उस साइड आपकी ट्रेड होनी चाहिए, एंड अगर वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में अपोजिट टू योर ट्रेड जा रही है तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज लो। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पहली एंट्री आपको यहाँ पे लेनी है, लेट से आप $100 ले रहे हो, दिस इज योर ब्रेकआउट एरिया, तो यहाँ पे आप 30% के आसपास की एंट्री ले लो। इसके बाद सेकेंड एंट्री यू शुड बी टेकिंग एट अनदर सपोर्ट, सो दिस एरिया इज गुड फॉर अनदर सपोर्ट, एंड थर्ड एंट्री जो लास्ट आपकी एंट्री होगी वो डाउनवर्ड ऑफ द सपोर्ट होगी। तो यहाँ पे आपकी 3 एंट्रीज हो गई हैं, आपकी 30%, 20%, 20%, टोटल 70% यहाँ पे हो गया है। इसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, लेट्स से दिस काइंड ऑफ ब्रेकआउट हैपेंस,
एंड यहाँ पे रीटेस्ट होके ऊपर जाने लगता है, देन यू टेक अनदर एंट्री। अगर ब्रेकआउट नहीं होता ये नीचे जाता है तो आपकी दो एंट्रीज ये हिट करता है। अब आप यहाँ पे वेट करते हो कि क्या यहाँ से बाउंस बैक होगा। इफ इट बाउंसेस बैक देन यू टेक अनदर एंट्री, अगर नहीं होता है यू एग्जिट हेयर। आपका जो एवरेज प्राइस है वो रफली कुछ इस एरिया में आएगा, जिससे आपका लॉस जो है मिनिमाइज हो जाता है। एंड जैसे जैसे आपको लगता है कि यस कंफर्म होने लग गया है मेरा जो मूव है वो सही जा रहा है, तो देन यू टेक अनदर एंट्री। सो इस तरीके से आपको एंट्रीज जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। मैटिक जस्ट एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इससे क्या है आपका रिस्क मिनिमम रहता है, एंड रिस्क मिनिमाइज करोगे तो प्रॉफिट तो अपने आप हो ही जाता है। इसके अलावा अनदर थिंग दैट वी नीड टू लुक टूडे इज द टोटल टू। टोटल टू इज बेसिकली ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप। यहाँ पे बिटकॉइन जो है एक्सक्लूडेड है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल टू को अगर हम वीकली में देखें तो इट इज एट अ बिग रेजिस्टेंस। दिस इज अ बिग रेजिस्टेंस फॉर टोटल टू, एंड टोटल टू जो है इसको ब्रेक जब करेगा तभी हमें बुल मार्केट प्रॉपरली देखने को मिलेगा। ये काफी टाइम से इसके नीचे है, रफली 16 मई 2022 से जो है ये इस एरिया में घूम रहा है। तो जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा वी कैन सी अ मैसिव पंप कमिंग इन टू वर्ल्ड कॉइन्स। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक ऑल्ट कॉइन्स पुल बैक लेते रहेंगे, मार्केट में फंड्स जो है रोटेट करते रहेंगे। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लिंक। सो लिंक इज अनदर बिग कंपेटिटर, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी एक रेंज में था, इसने रेंज ब्रेक करी है, एंड इसको अगर हम डेली में स्विच करते हैं तो नाउ इट्स गोइंग थ्रू दिस ट्रेंड लाइन, एंड अभी भी इस ट्रेंड लाइन के जो है ये ऊपर ही है। वी आर येट टू ब्रेक इट, एंड जैसे ही हम इसके ऊपर ब्रेक करते हैं लिंक कैन ब्लास्ट ऑफ। तो स्पॉट पोजिशन आई एम बिल्डिंग ऑन दिस। लाइटकॉइन इज अनदर कॉइन, इस पे भी हमारी स्पॉट पोजिशन जो है बिल्ड हो रही है, इसमें भी हमने डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज ली है, सपोर्ट जो है होल्ड कर रहा है। एंड अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हमारे पास ये वाला एरिया दैट इज द $59 वाला एरिया जो है एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम कर रहा है। तो लाइट कॉइन अनदर थिंग आई एम पिकिंग अप इन स्पॉट। इसके अलावा रेंडर है जो हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, रेंडर अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, रेंडर इज बाउंसिंग बैक प्रॉपरली, तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपी की बात करें तो कल हमने ओपी का एक लॉन्ग जो है टेलीग्राम पे आपसे डिस्कस किया था, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज ही लेनी होती है। यहाँ पे इसने एक चैनल ब्रेक करा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट भी हो गया है, ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम अगर हम देखते हैं वॉल्यूम इतनी अच्छी नहीं है, बट दैट इज बिकॉज थैंक्स गिविंग था, तो हो सकता है आज मार्केट ओपन पे वॉल्यूम वापस आ जाए। अगर वॉल्यूम यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिखती है, ग्रीन हमें बड़े बड़े बार्स देखने को मिलते हैं, देन दैट मीन्स दैट ब्रेकआउट हैज बीन कन्फर्म एंड हम अपने ट्रेड की साइड जो है मूव कर सकते हैं। तो कीप दिस वन इन माइंड, एंड अगर आप इसका लॉन्ग पोजिशन बिल्ड करने की कोशिश करते हो तो कुछ इस तरीके से आप लॉन्ग पोजिशन बिल्ड करोगे इसका, एकदम सपोर्ट तक ये जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज रखोगे, अपना टारगेट यहाँ पे आप डिसाइड करोगे। नेक्स्ट इज DYDX। सो DYDX इज अनदर थिंग दैट इज ब्रेकिंग आउट, एंड DYDX मैंने आपको काफी टाइम से बोला है कि सेक्स एंड डेक्सेस आर परफॉर्मिंग रियली नाइसली, एंड उनके टोकन आपके पास जरूर होने चाहिए। अनदर थिंग इज IMX, तो इम्यूटेबल एक्स एंड SKL, ये तो दोनों एकदम भाई भाई हैं, एंड SKL थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। IMX की स्ट्रेंथ हमें दिखाती है कि यस SKL पे भी हम जो है एक अच्छा अपसाइड मूव देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। अदर थिंग्स दैट आर मूविंग अप, सो ID जो है ऊपर से काफी नीचे आ गया था, डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज इसने हमारी फिल करी है एंड अब ये ऊपर जा रहा है, तो स्पॉट में ही हमने इसको बाय किया है। जब तक ट्रेंड हमारा ग्रीन नहीं होता है शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में, तब तक मैं लॉन्ग पोजिशन जनरली बिल्ड नहीं करता हूँ। इसके बाद फैंटम, सो फैंटम जो है अपने सपोर्ट को नीचे ब्रेक डाउन कर चुका है, तो इस पे भी नजर रखे रहना, एंड यहाँ पे हम जो है एक अलर्ट लगा देते हैं जब ये इसको ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, देन आई विल बिल्ड अ लॉन्ग, क्योंकि अभी भी ट्रेंड इसका नीचे है, रेजिस्टेंस के नीचे है, तो इट्स नॉट सेफ येट। बात करते हैं यूनी की, तो कल यूनी में आया बहुत जबरदस्त पंप, जैसा कि मैंने आपको बोला कि डेक्स एंड सेक्स इन दोनों पे ध्यान रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑल्ट कॉइन्स एंड फोकस वाली लिस्ट पे, एंड यहाँ पे कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनका अभी क्या चल रहा है चार्ट में वो आप देख लो, उस हिसाब से आप अपनी एंट्री जो है बिल्ड कर सकते हो। नंबर वन इज वी चेन। सो वी चेन अभी भी जो है डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जैसे ही ये डाउन ट्रेंड को फ्लिप करता है देन इट कैन बी अ गुड पिक। कुछ इस तरीके का इसका ट्रेंड आ रहा है, ट्रेंड को ब्रेकआउट करने का वेट करेंगे, वॉल्यूम शुड बी गुड एंड ट्रेंड जो ये रेड है ये ग्रीन हो जाना चाहिए, देन हम इस पे एंट्री बुक कर सकते हैं। अगर आप स्पॉट में लेना चाहते हो तो दिस एरिया इज गुड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज। ध्यान रखो कि ये इसके नीचे जाता रहता है, सो इतना स्ट्रांग नहीं है ये सपोर्ट जैसा कि हमें दिख ही रहा है, बट दिस इज दी चैनल, सो इस हिसाब से भी आप बिल्ड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सपोर्ट को इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट इज आर्बिट्रम। सो आर्बिट्रम का सपोर्ट जो है हम यहाँ थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, एंड आर्बिट्रम का ये है सपोर्ट 0.94 से 0.90 तक, तो अभी तो ये भी डाउन ट्रेंड में है। जब तक ये भी ब्रेकआउट विद चेंज इन ट्रेंड नहीं करता तब तक हम इस पर लॉन्ग बिल्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये इस एरिया में आता है तो आई विल बी पिकिंग अप इन स्पॉट। अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी आपको अपने हिसाब से करना है। इसके बाद बात करते हैं डॉट की, एंड डॉट की भी सेम ही कहानी है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये भी सपोर्ट के नीचे एक दो बार जो है चला गया है,
एंड दिस इज दी चैनल जो इसने पकड़ा हुआ है अभी। तो इस चैनल के ब्रेकआउट पे मेरी नजर रहेगी, चैनल ब्रेकआउट पे वी कैन बिल्ड लॉन्ग्स हियर। इसके बाद थोड़ा ऑन चेन डेटा देखते हैं, तो ऑन चेन अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो है इंक्रीज हो गया है, फंडिंग यहाँ पे पॉजिटिव है, एंड द मेन थिंग वी आर वेटिंग फॉर इज यूएस का मार्केट यहाँ पे खुलेगा, उससे थोड़ी वॉल्यूम आएगी मार्केट में, एंड फिर हम वहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस साइड मार्केट जा रहा है। अगर ऊपर की साइड आती है वॉल्यूम देन इट कैन गो अप, नहीं आती है तो इट विल इनवैलिडेट अ लॉट ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स, तो उसको ध्यान में रखना है। ऐसा है कि यहाँ से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक ठीक है, 2-3 ब्रेकआउट आपको मिल सकते हैं, बट वहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा, तो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड, एंड उस हिसाब से आपको अपने ट्रेड्स यहाँ पे बिल्ड करने हैं। याद रखो कि योर गोल इज टू मिनिमाइज द लॉसेज, प्रॉफिट बुल मार्केट में इजिली हो जाता है, यू कैन इजिली मेक प्रॉफिट क्योंकि सब ऊपर ही जा रहा होता है, लेकिन जब आप जो भी ट्रेड लेते हो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड लो, उसमें रिस्क अपना मेंटेन करके चलो, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, दीज आर सम ऑफ माई ओपन ट्रेड्स राइट नाउ ऑन DYDX, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दैट आई हैव पुट इन ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू दैट। अभी भी ऑर्डर जो है ओपन है, सारे फिल नहीं हुए हैं, पोजीशंस मेरी फिल होती हैं, आई रीच अ पर्टिकुलर टारगेट, आई क्लोज देम एंड मेक प्रॉफिट। एंड राइट नाउ अगर आप प्रोफाइल पे जाके देखते हो, एंड वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द लीग्स, तो कॉम्पिटेटिव लीग्स में जो है रैंक आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज इट, तो लास्ट सीजन जो कि हमारा लास्ट वीक था उसमें हम रैंक किए थे 41 यूजिंग दिस टेक्निक, एंड आप देख सकते हो कि हमारा नेट प्रॉफिट जो था वहाँ पे 42.98% था। सो एक वीक का प्रॉफिट है ये, एंड इसी तरीके से हम जो है इसको बिल्ड करते हैं। सो दैट वाज अ क्विक मार्केट अपडेट। इसमें हमने आपको ये भी बताया कि आप किस तरीके से जो है एंटर कर सकते हो लॉन्ग पोजिशन या स्पॉट पोजिशन से, स्पॉट पे भी ये वर्क करता है। यू नीड टू कीप दिस एंट्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड, काफी लोगों को ये नहीं पता होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल यही चीज होती है, रिस्क मिनिमाइज करो, प्रॉफिट यू विल ऑटोमेटिकली मेक। And that is it for today's video, guys. Hopefully आपको वीडियो अच्छी लगेगी। Make sure to hit the like button and subscribe to the channel if you're new here. Comment down below कोई भी doubts आपको होंगे। Thank you for watching and I'll see you in the next video. बजरे बीट पे ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट नोक के सीन जैसे गिलटीन रगो मैं बैर निकटीन नशीला पदार आज कश तुझको दूं पहला पफ मैं ले लूं चाहता मुझको खून बचले बेटा।